जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मटेरियल को ऐड करना सीखेंगे और बैकग्राउंड भी चेंज करना सीखेंगे। तो ये सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज का 20वां ट्यूटोरियल है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। आ जाते हैं अपने इंटरफेस पे। ये पार्ट्स हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिजाइन किया था, तो इसको हम देख लेते हैं बैकग्राउंड कहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये अप्लाई स्क्रीन है, यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रूफटॉप, यहाँ से हालांकि इसको पहले कवर कर लिया हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। और मटेरियल चेंज करने के लिए ये यहाँ पे अपीयरेंस में आएंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं, यहाँ पे प्लास्टिक, मेटल, पेंटेड, रबर, ग्लास। यहाँ से जो चूज करें वो हो जाएगा। मान लीजिए हमें मेटल चूज करते हैं। मेटल में हमें चाहिए मेटल, यहाँ से चूज करते हैं ब्रॉन्ज, निकल, ब्रास, कॉपर, जो भी चाहिए। यहाँ पे आयरन, टाइटेनियम, जिंक, गोल्ड, चलिए गोल्ड देख लेते हैं, पॉलिश्ड गोल्ड। और इस पे ये देखिए ये मटेरियल असाइन हो गया गोल्ड का। ये दोनों एक साथ एक्सट्रूड हुआ था, इसलिए दोनों एक साथ आएगा। ये देखिए ये मटेरियल असाइन करने का हो गया। अब एक और देख लेते हैं, इसमें बैकग्राउंड चेंज का भी ऑप्शन है। ये देखिए सीन में आके बेसिक आएंगे तो बेसिक दिखेगा, लाइक ऐसा बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, जो चाहे वो बैकग्राउंड। आप देखते हैं थोड़ा स्टूडियो में, ये देखिए आप जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं, ये देखिए ये लगता है किसी घर में हवा में लटक रहा है। तो ऐसे मटेरियल चेंज करते हैं और बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद।